इस पे बात हुआ था क्या क्या, इस पे बात हुआ था आपका शायद कि लीस्ट काउंट एरर, एरर क्या होता है और एरर कितने तरह का होता है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, एरर कहाँ होता है जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कहीं भी कोई भी मेजरमेंट करते हैं, आपका हाइट लेना हो, रूम का टेम्परेचर लेना हो, या किसी रूम का वॉल्यूम निकालना हो, या किसी भी खेत का एरिया निकालना हो, कुछ भी करना हो, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आता है। वो एरर कैसे कम से कम कर सकते हैं, वो एरर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। ठीक है, तो फिलहाल आज का पढ़ाई ही मेन है। अगर कोई लास्ट क्लास इसका इंट्रो क्लास ना भी सुना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, मेन आज से शुरू होता है। तो आखिर एरर होता कितने तरह का ये सब आप जान गए थे, लेकिन एरर के कुछ और टाइप्स आपको लिखवाने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एनसीईआरटी के हिसाब से ये हेडिंग डाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर लिख दे रहे हैं, वैसे परसेंटेज आप स्पेलिंग में लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और है आपका परसेंटेज एरर। तीन तरह के एरर आपको लिखे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। समझिएगा ये तीनों होता क्या है, क्योंकि आज की क्लास का आगे सारा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। छोटा मोटा चीज है लेकिन समझिएगा। होता ये है कि मान लीजिए एक बैच में, मान लीजिए अभी आप लोग 32 33 लोग हैं, जो भी, तो 32 लोग आप अगर हैं तो आपको हम लैब में ले गए और बोले कि लैब में कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया आपको करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हम लास्ट क्लास बोले थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, आपको बोले स्मॉल जी का वैल्यू निकालो लैब में, मेथड जो भी हो, हम ये आपको मेथड की बात यहाँ नहीं कह रहे। आप लोगों ने स्मॉल जी का वैल्यू निकाला, 32 लोग है तो 32 वैल्यू आएगा, 10 लोग आता 10 वैल्यू आता, तो हर किसी का अपना अपना मेजरमेंट होगा। मान लो किसी का वैल्यू आया 9.4, किसी का 9.2, किसी का 10.3, किसी का 10.9। ऐसा नहीं बोलना है कि जी का वैल्यू 9.8 आपको एग्जैक्ट सबका आएगा, किसी का 10.6, किसी का 9.1, कुछ भी वैल्यू आया तो अलग अलग मेजरमेंट आया। तो मान लो लेट a1, a2, a3... आप जितने लोग है, मान लो n लोग हो तो n लिखे, a1, a2, a3... कुशाग ने पूछा है, देखो कुशाग, हाँ उसी, वो ओवरऑल एरर के अंदर ही ये सब एरर आता है कुशाग, उसी को हम इन हिस्सों में बांट रहे हैं। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो दो टाइप्स था ना, उसी टाइप के अंदर ये सब कुछ आता है। ठीक है, उसी टाइप के अंदर ये सब कुछ आता है। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में हम बात कर रहे हैं कि मान लो अभी कौन सा क्या है उसके बारे में बात नहीं की है। मान लो a1, a2, a3... आर इंडिविजुअल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग मेजरमेंट्स, मान लो ये अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। एग्जांपल के तौर पे हम बगल में एक एग्जांपल जी का समझा रहे हैं, किसी का 9.1 आया, किसी का 10.2, किसी का 9.6, किसी का 9.4, किसी का 10.5, किसी का 10.2, किसी का 9.7, किसी का 10.1, ऐसे कुछ रिजल्ट आया। ठीक है, अब टीचर आया आपके और बोले कि बताइए कि जी का वैल्यू कितना आया, तो आप सब अपने अपने हिसाब से जी का वैल्यू बताओगे, कोई 9.1, कोई 9.6। टीचर बोलेगा 3200 लोग अपना अपना वैल्यू बताओगे, अच्छी बात नहीं है, 3200 लोग मिलकर कोई एक वैल्यू हमको बताओ। तो आप लोग एक वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, आप लोग आपस में बोलोगे कि एक काम करते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज को आप मीन कहते हैं। मीन मतलब कि सबका जितना वैल्यू है सबको जोड़ दो और जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे मान लो जी का अलग लोगों का वैल्यू है 32 लोग आप लोग हैं, 3200 लोगों का एक्सपेरिमेंट करने के बाद अलग अलग वैल्यू आया, उन 3200 वैल्यू को जोड़ के 32 से आप डिवाइड करोगे तो जो आपका एवरेज वैल्यू आएगा, हो सकता है वो 9.7 आ जाए, हो सकता है 9.9 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। उसी को आप बोलोगे टीचर को कि यही हमारा मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, इसी को आप आंसर मानिए। यानी देखिए, मीन ऑफ, मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज, मीन ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट। अब आपने जो इंडिविजुअल मेजरमेंट किया है उसका मीन वैल्यू कितना होगा, मीन ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट, लगातार दो दो मैसेज हमका है, कौन किया, मीन ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, आप इसको लिखोगे ए मीन, एवरेज वैल्यू है, जितना वैल्यू है a1+a2+a3+... an तक गए और डिवाइड कर दिए n से, ये आपने निकाला मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान से सीखिएगा, बेसिक ही तो नहीं सीख पाते हैं हम लोग, उसके बाद उड़ने लगते हैं कि सवाल क्यों नहीं बन रहा। मानते ये बहुत ही आसान चैप्टर है, जब तक हम काइनेमेटिक्स या वेक्टर में दोबारा नहीं पहुंचते आपको ये दिक्कत देगा। ठीक है, देखिए
उस हिसाब से ये वाला वैल्यूज इक्वेशन नंबर आपका आ गया 1। देख रहा है इक्वेशन नंबर 1, कहीं कोई तकलीफ नहीं, यहां तक कहीं कोई कष्ट नहीं है। अभी मान लो सब लोगों ने निकाला, यहाँ पे सबको जी मीन निकालना था, तो जी मीन कैसे निकाला उन्होंने, 9.1 प्लस 9.6 ऐसे सब वैल्यू को जोड़ के मान लो 10 लोग से 10 से डिवाइड किया, 9.7 आया। एक बात कहते हैं कितना आया, 9.7 जी मीन का वैल्यू आया 9.7। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अब हर किसी का तो 9.7 नहीं आया है, किसी का 9.1 आया है, किसी का 9.6 आया है, किसी का 10.5 आया है। तो टीचर बोला कि भाई तुम्हारा जो आंसर तुम लोग बता रहे हो जी का वैल्यू 9.7, तो सबका कितना कितना एरर आया, एरर मतलब सबकी गलतियां कितनी कितनी है, सबने कितनी गलती की अपने रिजल्ट में। जैसे किसी का 9.6 आया होगा तो वो बोलेगा मेरा जो एरर आया वो 0.1 का आया, वो कैसे जाना, इस वैल्यू को इससे माइनस किया, ठीक है। अब किसी ने कहा कि भाई आपका अगर ये आया है तो कोई 9.4 वाला है उसका बोलेगा मेरा एरर 0.3 है, किसी का 10.2 है तो वो बोलेगा मेरा एरर 0.5 है। सब अपना एरर कैसे निकाल रहा है भाई, जी मीन से ये वाला वैल्यू घटा रहा है, यानी जितने लोग हैं सबका अपना अपना एरर होगा। हो सकता है किसी का जीरो एरर भी आ जाए 9.7 किसी का, मैं ये नहीं कहना कि नहीं हो सकता, सबका अपना अपना एरर होगा, ठीक है। तो देखो हम सबका सबका एरर बता रहे हैं, एरर ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट, एरर ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट कितना होगा। मान लो हम पहले वाले का बात करते हैं, सबसे पहला वाला लड़का कितना गलती किया होगा, एरर को हम लोग डेल्टा A1 से लिख रहे हैं, गलती को हम डेल्टा सिंबल से दिखा रहे हैं, डेल्टा मतलब कितना का डिफरेंस है, एरर है, डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं कभी कभी, आप ये ध्यान रखिएगा, डी से भी दिखाते हैं और डेल्टा से भी दिखाते हैं। तो डेल्टा A1, तो जितना उसका वैल्यू था A1 को ए मीन से माइनस कर दो। जैसे देखो इसका 10.1 था और ये 9.7 आया था जी मीन, तो कितना का डिफरेंस हुआ, तो आप बोलेगा 10.1 को 9.7 से माइनस कर दो। उसी तरह से दूसरे वाले की गलती कितनी होगी, तो A2 को ए मीन से माइनस कर दो, ये सबका अलग अलग एरर निकल रहा है। A3 वाले का कितना होगा, तो A3 को ए मीन से माइनस कर दो, दिख रहा है आपको, ए मीन से माइनस कर दो ए मीन। उसी तरह से लास्ट में अगर हम आपसे पूछेंगे कि डेल्टा ए एन कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे ए एन को ए मीन से माइनस कर दो, सबको एक ही चीज से माइनस करना है ए मीन से। अब आप गौर करो, आपके पास हर एक एरर आया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, ऐसे जितने लोग थे 3200 लोग का एरर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है, किसी का एरर प्लस में आएगा, किसी का एरर माइनस में। जैसे सबको 9.7 से ही सबको घटा रहे हैं, जैसे 9.1 से 9.7 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा माइनस में, लेकिन 10.1 से 9.7 माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा लेकिन प्लस में, क्योंकि इससे ये बड़ा है लेकिन इससे तो ये छोटा है, इससे तो ये छोटा है। तो आपका जो ये डेल्टा A1 है, डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है, डेल्टा A3, डेल्टा A1 है, ये सब प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, दोनों में आ सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसका पॉजिटिव वैल्यू देखें, यानी सिर्फ प्लस में देखें, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, जब किसी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना तो विल वैल्यू लिखते हैं, साइन नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका टर्म आया हियर, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A1 देखिए यहाँ पे, जो डेल्टा A1 देख रहे हैं, डेल्टा A2 देख रहे हैं, डेल्टा A3 दिख रहा है, ये साथ है, ये डेल्टा A1 कॉमा डेल्टा A2 कॉमा डेल्टा A3 कॉमा डॉट 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 डेल्टा AN आर कॉल्ड, इसी को हम लोग आज के बाद कहेंगे एब्सोल्यूट एरर्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एब्सोल्यूट एरर्स। लेकिन याद रखिएगा सब मोड में होना चाहिए, मोड में मतलब सबका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, माइनस में आए चाहे प्लस में आए आपको वैल्यू पॉजिटिव में ही बताना है, याद रखिएगा, दिख रहा है एब्सोल्यूट एरर में आया, ये मैग्नीट्यूड होता है। आखिर आपसे कोई पूछेगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा असल में एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस है, किन का डिफरेंस है, डिफरेंस है मीन ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट का इंडिविजुअल मेजरमेंट के साथ, मीन ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट का इंडिविजुअल वैल्यू के साथ जो डिफरेंस होता है उनका, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होता है उसी को हम लोग कौन सा एरर कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, सिर्फ मैग्नीट्यूड को एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको। तो एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन कोई आपसे पूछेगा तो डेफिनेशन हम यहाँ लिखवाने जा रहे हैं आपको,
ध्यान से पहला पॉइंट अभी आपने सिर्फ किसका डेफिनेशन सीखा, एब्सोल्यूट एरर का। तो जल्दी से इतनी बातों को लिखिए क्योंकि जगह है, कम है, मिटाएंगे और हम डेफिनेशन बोलेंगे। उससे पहले डेफिनेशन बोले आप वहां तक लिख लीजिए और एक एक करके अपने डाउट्स को, यहाँ तक किसी भी डाउट को आप पूछ सकते हैं, कोई चीज दोबारा बोलवाना है वो भी बोल सकते हैं, कहीं कोई कष्ट हो आप टोक सकते हैं। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं लेकिन अपने आपको म्यूट रखिएगा, जब डाउट हो तभी बोलिएगा। चलिए बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। किसी का नेटवर्क का इशू होगा। ये से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, पर ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट का एप्लीकेशन क्या है? ये पॉजिटिव में वाली सीधा लाइन खींची है वो। हाँ सर, हाँ, इसको मोड कहते हैं हम लोग, वेक्टर में बहुत यूज किए हुए हैं लेकिन जो वेक्टर नहीं, पर ध्यान रखिए मोड कहीं लगता है ना, अगर मोड में कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, चाहे भले मोड के अंदर -5 क्यों ना हो, इसको आप 5 ही मानोगे। मोड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, इस ब्रैकेट का मतलब है मोड का मतलब मैग्नीट्यूड। रोहन ने लिखा है सर मेरा नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है, आप आज रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना। ओके रोहन, भेज देंगे, क्योंकि आज बारिश हुआ है, मानते हैं बारिश और जब तक मौसम ऐसा रहेगा नेटवर्क गड़बड़ रहेगा, हम जरूर भेज देंगे आपको रिकॉर्डिंग्स, आज ये वाला भी अपलोड कर देंगे। खुश, ये सब इतना आसान है ना चैप्टर, ये सब अपलोड करने में खुद को बेइज्जती लगता है इसलिए हम नहीं करते, लेकिन कर देंगे, क्या करेंगे। ओके, डेफिनेशन हो गया, कोई हैंड रेज करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमको रुकना है। एक मिनट, हम फोन ले रहे हैं सामने से, कोई हैंड रेज करेंगे तो हम समझ जाएं कि आप अभी तक लिख रहे हैं। नोट्स जरूर बनना चाहिए, अभी का थोड़ा आलस भविष्य में आपको ज्यादा कष्ट दे सकता है। ठीक है, रुके हुए हैं 5-6 लोग लिख रहे हैं, और हम इसका फोटो भी आपके ग्रुप में भेज रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा नेटवर्क अगर अच्छा हो तो आपका खराब हो सकता है, आपका अच्छा हो तो मेरा खराब हो सकता है। ये सुंदर था फोटो, बोर्ड को बोलना पड़ेगा स्माइल, बोर्ड ने किया स्माइल, चलिए चला गया। तो डेफिनेशन इसका सिंपल था, एनसीईआरटी वाला ही वर्ड हम लैंग्वेज लिखाएंगे पूरा पूरी, याद रखिएगा डेल्टा वन डेल्टा टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेशन में आइए, अब रुके हुए हैं, आप आराम से लिखिए, ध्यान से सीखिएगा तो फायदा होगा और नहीं सीखिएगा तो थोड़ा नुकसान होगा। थोड़ा सा थ्योरी का क्लास आज है, मजबूरी है। आप बोल सकते हैं कोई भी कभी भी ना, मौका सबको है बोलने का, आपको ना हैंड रेज करना है ना अपना नाम बताना है, क्योंकि नाम तो आपको दिख ही जाता है, इसलिए आप बस बोल सकते हैं। सर लीस्ट काउंट एरर एक बार फिर से बता दीजिए। लीस्ट काउंट एरर, देखो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, हर इंस्ट्रूमेंट अपने आप में कहता है कि हम इतना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, जैसे कि बोल दिया कि आपका स्केल हम 1 सेंटीमीटर तक रीड कर सकते हैं, उससे नीचे रीड नहीं कर सकते, लेकिन जब रीड करने गए तो पता चला कि वो 0.9 भी रीड कर दे रहा है, यानी उसने जो लिस्ट काउंट बताया है उससे वो कम रीड कर दे रहा है, या हो सकता है कि उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर तक रीड कर सकते हैं, पता चला है कि 1.3 के बाद वो नीचे का रीड कर ही नहीं पा रहा है, बहुत कम वो एरर होता है। तो जो वो बोला है अपना लिस्ट काउंट उससे कम या ज्यादा अगर वो रीड कर दे रहा है तो वही उसका एरर है, क्योंकि जिस वैल्यू पे हम भरोसा कर रहे हैं कि इससे नीचे ये रीड नहीं करेगा उससे वो नीचे या उससे ऊपर रीड करता है, दैट इज लिस्ट काउंट एरर। ये दोनों ही टर्म में हो सकता है, कम ज्यादा में, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बस यही फिलहाल डेफिनेशन में अगर आपको जानना है तो, हर इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले को कुछ ना कुछ गलती वो इंस्ट्रूमेंट में करता है, चाहे वो लोहे का इंस्ट्रूमेंट हो, पीतल का हो, एल्युमिनियम का हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी वो होता है उस इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए हर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत एरर होता है। लीस्ट काउंट एरर 0 भी हो सकता है, एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है 0 भी हो सकता है। ठीक है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और 0, ये लास्ट क्लास हम बताए थे, कोई अगर ना कर पाए हो तो घबराएंगे नहीं, लेकिन ये डेफिनेशन पक्का आपको पूछेगा स्कूल में। स्कूल चालू हुआ दिया आप लोग का, किसी का स्कूल शुरू हुआ, डीएबी हेल्थ शुरू हुआ? सर मेरा चल रहा है। ओ, काफी लोग का चालू, कल से स्टार्ट होगा सर, कल से। ओके ओके, डीएबी हेल्थ में कितने लोग हैं, हाथ उठाएं जरा सा डीएबी हेल्थ में, क्योंकि मेरे घर के बगल में है और मेरे यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां के रहते हैं इसीलिए हमको पूछना पड़ जाता है। ओके, काफी लोग हैं, अंकित, नम्रता, विराज, हर्ष, काफी लोग हैं डीएबी हेल्थ के। ओके सुगम, काफी लोग हैं। ठीक है, कई लोग का एडमिशन भी नहीं हुआ है, घबराना नहीं, एडमिशन हो जाएगा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं निकला है, रिजल्ट निकलने के बाद फिर से एडमिशन प्रोसेस जोरदार चलेगा, हर स्कूल खाली है। हेल तो शुरू हुआ ना आज से, हेल में क्या पढ़ाई शुरू हुआ,
सर कल से होगा ये। ओ कल से टीचर लोग को पास चल गया कौन टीचर किसको मिले हैं। सब टीचर पहला दिन पूरा इम्प्रेशन जमाएंगे पहला महीना एकदम बढ़िया से देखिएगा। ओके ठीक है अच्छे से सर है एल में बाकी स्कूल में भी अच्छे अच्छे सर है। एसबीएम में भी कोई बच्चे गए हैं एसबीएम कैम्ब्रियन आसपास तो वही स्कूल है जेवीएम है जेवीएम के बच्चे हैं और जैक बोर्ड के बच्चे हैं तो जैक बोर्ड में एडमिशन अभी नहीं शुरू हुआ है शायद हमको लगता है कब रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो अभी आप आराम से जो पढ़ रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं तो अच्छी बात है। स्कूल जब शुरू होगा वो मेरे से भी आगे निकल जाएगा हम आपको पहले बता दे रहे हैं बहुत फास्ट भागता है शुरुआत में कुछ दिन आराम चलेगा लेकिन बहुत फास्ट भागेगा तो इसीलिए आप कितना भी आगे हो हम स्कूल को प्रणाम करते हैं वो हमसे हम आगे नहीं हो पाएंगे। ओके ध्यान दीजिएगा किसी स्कूल का पढ़ाई शुरू हुआ किसी भी स्कूल का शुरू हो गया खत्म हो गया ये खत्म हो गया कौन से स्कूल में जरा बताएंगे नाम सरला बिली और और कहाँ पे केरली में भी अच्छा केरली में सरला बिरला में और डीपीएस में भी अच्छा डीपीएस में भी हो गया सीपीएस सीडीएस मतलब कैम्ब्रियन और डीपीएस दोनों में हम कंफ्यूज जाते हैं इसलिए हमको ध्यान दिलवा दीजिएगा। ठीक है चलिए अच्छी बात है ओके ठीक है आप समझ गए आपको म्यूट कर देते हैं क्योंकि हम ऐसे बीच बीच में आपसे पूछते रहे हैं कभी कभी स्कूल में क्या चल रहा है किस तरह से नौटंकी को लोग प्रोसीड करवा रहे हैं। अच्छी बात रिकॉर्डिंग आज ऑन है रिकॉर्डिंग में ही बात कर लिए काफी सॉरी डेफिनेशन डालिएगा डेफिनेशन हर स्कूल का टीचर आपको डराएगा ध्यान रखिएगा बहुत बढ़िया से डराएगा डरिएगा मत उन्हें काम है डराना मतलब कि बच्चा मत समझो टेंथ मत समझो ये वो उनका काम है बोलना तुम भी बोलना हाँ नहीं समझ रहे टेंथ एकदम उनके सामने कांपने बोले हैं कांपना क्या करोगे लेकिन चूंकि ऑनलाइन है इसलिए वो लोग खुद ही डर के रहते हैं तुम्हें चिंता मत करो। लिखिए डेफिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस किसका डेफिनेशन बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर का द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the individual measurement and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity and the true value of the quantity is called the absolute error ho gaya the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called absolute error baat kare aage to yahan pe aapko kya samajh mein aaya abhi tak ki class mein 10 log the to 10 ne apna apna experiment kiya tha kisi ka value 2 3 4 kuch bhi aa sakta hai alag alag value aaya jaise g ka value सबका वैल्यू को एक एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जितना रिजल्ट आया सबको सबकी संख्या से डिवाइड किए तो आपको मीन वैल्यू मिला। मीन वैल्यू के बाद आपको ये पता करना है कि कितना कितना सबका एरर है गलती कितनी है किसकी तो सबके मीन वैल्यू से सबके इंडिविजुअल वैल्यू को आपने माइनस किया हर टर्म को आपने डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 ऐसे कुछ नाम रखा देख रहे हैं आप और ये डेल्टा जो है इन्हीं को हम लोग कहेंगे आज के बाद एब्सोल्यूट एरर अगर ये सारे वैल्यू पॉजिटिव में लिखे जाए इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड वर्ड लिखा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। अब सुनो ये रिजल्ट आया आपका अब इसके बाद हम दोबारा भी समझा देंगे कोई अगर लेट से ज्वाइन कर रहा है तो घबराएगा नहीं कोशिश करेगा समझने का आगे से जो भी बात आएगा ना। अब टीचर ने कहा था आप सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी का वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू निकाल रहे थे जिसका वैल्यू मान लो 9.8 होता है लेकिन आप सब निकाल रहे थे तो किसी का 10.1 9.4 10.7 9.6 कुछ कुछ वैल्यू आया तो आपने सबके वैल्यू को जोड़ के जितने लोग थे उसे डिवाइड किया तो पता चला कि एवरेज वैल्यू है 9.7 तो आपने टीचर को कहा कि हमारा एवरेज वैल्यू तो 9.7 है यानी आपने कहा कि हमारा मीन वैल्यू जो है वो 9.7 आया मीन वैल्यू कितना आया 9.7 तो भाई टीचर ने कहा कि एरर कितना है तो लगा 3200 बच्चे अपना अपना बोलने कि मेरा एरर 0.2 है मेरा एरर 0.3 है मेरा 0.1 है क्योंकि सबको अपना मीन वैल्यू से अपना अपना वैल्यू घटाने लगा तो टीचर ने कहा ऐसे मत करो मछली बाजार कोई एक एरर बता दो तुम लोग क्या करोगे सबका जितना एरर है सबको जोड़ के जितने लोगों से डिवाइड करोगे तो सारे एरर का एवरेज वैल्यू निकलेगा ना इसको कहते हैं मीन ऑफ एवरेज को मीन लिख रहे हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर मीन ऑफ
एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीन को हम लोग कहेंगे ए मीन, लेकिन ये चूंकि एरर का है इसलिए डेल्टा ए मीन लिखे। कैसे करेंगे, डेल्टा ए वन मोड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, डेल्टा ए टू प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं एन, तो आपका यही वैल्यू आया। तो मान लीजिए आपका हो सकता है कि डेल्टा जी का मीन वैल्यू आपका आया 0.2, कितना आया 0.2 आया। तो फिर टीचर ने बोला कि भाई देखो आज हमने आपको कहा था कि जी का वैल्यू निकालो, आप सब लोगों ने जी का वैल्यू निकाला स्मॉल जी का, यहाँ बैठे राजू का आया 9.1, वहां बैठे श्याम का आया 10.2। राजू श्याम दस का नाम भी नहीं होता, वैसे ही दो हवा में नाम ले दिया, अब तो तुम लोग का यूनिक नाम होता है। तुम लोग का नाम कैसा कैसा होता है सुना है क्या, तुम लोग का नाम होता है नम्रता, पीयूष, राहुल, गणेश, रोहन, रुचि कुमारी, कुशाग्र, और भी नाम है जितना हमको दिखा, सुगम, शुभांग, अब ज्यादा नाम नहीं लेंगे, हो गया, शुभ शक्ति, ओके, हम देख पा रहे हैं काफी नाम है, ओके, सब लेटर से नाम है, जेड से किसी का नाम नहीं है, जेड से भी होना चाहिए था। खैर तो टीचर ने कहा कि सबका अलग अलग वैल्यू आया है, स्मॉल जी का 9.4, 9.7, 9.2, 10.4, तो सब लोग मिलके एक वैल्यू बताओ, तो आपने सबके वैल्यू को जोड़ के जितने लोगों से डिवाइड किया तो आपको मीन वैल्यू मिला, तो जी का मीन वैल्यू आपका आया 9.7। टीचर ने कहा सबका तो 9.7 नहीं आया है, उसका तो 9.4 है, मतलब 9.7 से वो 0.3 पीछे है, उसका तो 10.2 है, मतलब 9.7 से वो 0.5 आगे है, मतलब ये सब उनका एरर हुआ। तो टीचर बोले कितना एरर हुआ, तो सब अपना अपना एरर बताने लगा। टीचर बोला सब एरर का एक एरर बताओ, मिलके कोई एक वैल्यू बताओ, तो सबने अपना अपना एरर बताया, पॉजिटिव में कम ज्यादा हो पॉजिटिव में सबने अपना एरर बताया, और जितने लोगों से डिवाइड किया तो बोला एरर 0.2 है। तो टीचर ने कहा तो अब तुम अपना जी का वैल्यू कितना लिख सकते हो, तो टीचर ने कहा कि तुम्हारे जी का वैल्यू असल में आया है 9.7, लेकिन इसमें तुम्हारा एरर है प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, यहाँ पे अपने से लिखना है 0.2, भले आप एरर ये लिखे लेकिन एरर का जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो टीचर बोलेगा कि एरर आपका दोनों हो सकता है प्लस 0.2 और माइनस भी, मतलब उससे ज्यादा भी कम भी। तो बच्चों ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ, टीचर से पूछा यानी लैब असिस्टेंट से, उसने समझाया इसका मतलब ये हुआ कि 9.7 अगर तुम 0.2 ऐड करते हो तो इसका वैल्यू होता है 9.9, और अगर माइनस करते हो तो वैल्यू होता है 9.5, यानी कि जी का वैल्यू जो है 9.5 से लेकर 9.9 के बीच में लाई कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है, इक्वल टू का भी साइन है, 9.6 भी, 9.7 भी, 9.8 भी, 9.9 भी, मतलब इतना वैल्यू पूरे क्लास के ओवरऑल के लिए उसने एवरेज बताया कि जी के लिए अब हम लोग रिजल्ट क्या लिखेंगे। हो सकता है किसी का वैल्यू इससे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो एक अच्छा साइंटिस्ट जब साइंस की बात होती है, एग्जैक्टनेस की बात होती है, तो एक अच्छा साइंटिस्ट आपको जब बोलेगा ना, तो आपको बोलेगा कि आपका हाइट कितना है, तो वो अच्छा साइंटिस्ट ऐसे नहीं बताएगा आपका हाइट की 5 फीट है, नहीं, बोलेगा आपका हाइट है 5 फीट प्लस माइनस 0.1, 5 प्लस माइनस 0.1 फीट। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि आपका हाइट 5.1 फीट तक जा सकता है, और कहां तक, 4.9 से 5.1 के बीच में हो सकता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका एरर चेक करेगा, उसका लिस्ट काउंट चेक करेगा, सबको निकाल के वो ऐसा रिजल्ट दिखाएगा। तो आप जब भी कोई बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट देखेगा, नासा तासा कहीं का भी, चाहे स्पेसिफिक कहीं, तो सब रिजल्ट में प्लस माइनस आपको दिखेगा। हमसे कोई पूछ रहा है इस रूम की लंबाई कितनी है, अगर घटिया सा स्केल उसको ला के दिए हैं तो इस रूम का लेंथ बताएगा कि 20 प्लस माइनस 2 फीट। हम फिर से बता दें इतना ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए, अगर इतना एरर है मतलब घटिया, जब भी यहाँ एरर देखेगा 0.1, 0.2, 0.6 ऐसा ही दिखेगा। अब 2 फीट का एरर मतलब ऐसा स्केल है कि 20, मतलब बोल रहा है कि रूम का लंबाई 22 फीट से लेके 20 फीट के, 20 से दो घटा 18 से 22 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा बताया जाता 18 से 22 के बीच, तो गलत है ना, कुछ ज्यादा ही खराब है। तो ये इतना ज्यादा एरर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में दे दिया तो हम यूज कर लेंगे। तो याद रखिएगा आज के बाद कोई भी इस चैप्टर में खा सके, और असल में कोई भी साइंटिस्ट अपना कोई भी वैल्यू बताता है कुछ भी चीज का, इस रूम का टेम्परेचर कितना है भाई, इंस्ट्रूमेंट लाया, टेम्परेचर मेजर किया, सब किया, और बोलेगा कि इस रूम का टेम्परेचर जो है वो है 26 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझ गए आप, 26 में 0.5 ऐड कर दो यानी 27.1 मैक्सिमम, और उससे पहले आप माइनस कर दोगे इसमें 5, तो ये हो जाएगा 26.1, सॉरी कितना हो जाएगा 25.5 ना,
25.5 से लेके 27.1 के बीच में कुछ 26.5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, सॉरी हम डेर ऐड कर 26.5 कुछ भी हो सकता है, यानी इसके बीच में टेम्परेचर लाई करेगा, इतना से लेके इतना के बीच में आपका टेम्परेचर हो सकता है। तो कभी भी आपको अब कुछ भी बताना हो तो आप इस तरह से बताइएगा, डेली लाइफ में नहीं, इस चैप्टर में एटलीस्ट, जब तक इस चैप्टर चल रहा है मम्मी पूछे कितना रोटी खाओगे, तुम बोलना मम्मी हम आज रोटी खाएंगे 3 ± 1, इसका मतलब हुआ कि मेरा जो रोटी होगा, प्यारा सा रोटी, छोटा छोटा हिंदी अच्छा लिखना चाहिए, वो 2 रोटी से लेके 4 रोटी के बीच में लाई कर सकता है। हम 2 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 2.5 भी खा सकते हैं, 3.5 भी खा सकते हैं, 2.5 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 4.5 भी खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं, 7 भी खा सकते हैं, 8 भी खा सकते हैं, 9 भी खा सकते हैं, 10 भी खा सकते हैं, 11 भी खा सकते हैं, 12 भी खा सकते हैं, 13 भी खा सकते हैं, 14 भी खा सकते हैं, 15 भी खा सकते हैं, 16 भी खा सकते हैं, 17 भी खा सकते हैं, 18 भी खा सकते हैं, 19 भी खा सकते हैं। सुनना है, तो ये आपका हो जाएगा रोटी, और ये हो जाएगा डेल्टा रोटी, ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा ये आपका रोटी है, ये डेल्टा रोटी है, हर वैल्यू में, ये जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए, अभी तो आपको हम समझाने के लिए समझा रहे हैं तो आगे बहुत कंफ्यूजन होता है। यानी आज के बाद देयरफॉर आपने जो वैल्यू निकाला था, किसका वैल्यू निकाला था, ए का वैल्यू असल में 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, समझ में आया आपको, इसका मतलब ये है कि बोलने वाला बोल रहा है कि ए का वैल्यू या तो ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से लेके ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन के बीच लाई करेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, हर एक वैल्यू में 2 चीजें छुपी हुई है, एक ए और एक डेल्टा है, एक ए और एक डेल्टा है, हर रिजल्ट में एक उसका वैल्यू और एक उसका एरर छुपा होगा, ये उसका एब्सोल्यूट एरर है, असल में मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, दिस वन इज योर व्हाट, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो अभी जो आपने लिखा था उसके नीचे जल्दी से इतना लिखिए, अभी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर बताते हैं, और इसमें कुछ भी बोलना है यहाँ पे, कुछ भी आपको पूछना है आप प्लीज आप पूछ सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समझाएं बोलचाल की भाषा बोल बोल के, फिर भी आप कुछ पूछ सकते हैं। अभी शुरू ही हुआ ये चैप्टर, काफी कुछ बताना बाकी है, धीरे डाउट होगा, फिर भी आपको कोई भी डाउट यहां तक है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम इधर मिटा रहे हैं, हम ये समझ गए हैं आप, वैसे एग्जाम में इशू कभी नहीं आता, एग्जाम इसका न्यूमेरिकल आता है, ये सब डेफिनेशन पूछता है सिर्फ सीधे सीधे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैसे काम करता है, क्या होता है मीन एरर, क्या होता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, कैसे कोई वैल्यू लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। ये मीटिंग जैसे ही एंड हो जाएगा आपको फिर से सेम आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करके दोबारा सेम मीटिंग ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके। सर जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाले का मतलब आप बोल रहे हैं शायद, इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो आप लिखते हो रिजल्ट, अभी आपको बताया ना उसमें उसके साथ एरर भी रहता है, एरर कहने का मतलब कि हो सकता है हमने मेजरमेंट में कुछ गलती की हो, इंस्ट्रूमेंट की गलती हो, तो हम जिस चीज का हाइट 5 फीट बता रहे हो सकता है वो 5.1 हो सकता है, या हो सकता है वो 4.9 हो सकता है, मतलब 0.1 का एरर है, इसीलिए हम यहाँ उस वैल्यू को 0.1 माइनस या 0.1 प्लस करके यहाँ से यहाँ के बीच वो लाई करेगा, ये बोलते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। जैसे इस रूम का टेम्परेचर अभी बता रहे थे ना 26 ± 1 °C, मान लो ऐसा लिखे 1 लिखे हैं, इसका मतलब इस रूम का टेम्परेचर 27 से लेके 25 के बीच, 26 में से 1 माइनस किए, 26 से 1 माइनस, ये वाला टेम्परेचर टी है और ये वाला डेल्टा टी है, टेम्परेचर में 2 चीजें लिखी हुई है, ये वाला उसका असल में टेम्परेचर है, ये उसका एरर है, हर चीज में 2 चीज होता है, एक वैल्यू और एक उसका एरर, यहाँ पे टेम्परेचर में 2 चीज है, बार बार ये मीन मीन लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट हम टेम्परेचर बोलेंगे 26, एरर बोलेंगे 1, और एक बार ए माइनस डेल्टा है यानी टी माइनस डेल्टा टी, 26 - 1 = 25, 26 + 1 = 27, यानी कि टेम्परेचर जो आपका है, सॉरी मैं इसके चलते लैपटॉप ही मूव कर जा रहा है, तो ये वाला टेम्परेचर आपका इतना से इतना के बीच लाई करेगा, मतलब यही होता है, देख लीजिए। ठीक है, सर तो इसके पहले जो आप बताए थे वो और ये कैसे डिफरेंट है? कौन सा इसे पहले बताए थे? पहले आप सबका डेल्टा मीन निकलवाए। हाँ, डेल्टा मीन निकलवाए ना, डेल्टा ए मीन, ये सबका एरर था अलग अलग, तो सबका एरर मिला के एक एरर कितना आया, 0.2 आया, और वैल्यू आया था 9.7, तो ये भी मीन वैल्यू था, तो इस भी मीन वैल्यू में भी तो एरर इंक्लूडेड था ना, लेकिन सबका एवरेज एरर और एवरेज वैल्यू लिखने के बाद रिजल्ट कैसे लिखेंगे, हम रिजल्ट लिखेंगे कि जी का वैल्यू 9.7 - 0.2 से लेके
9.7 प्लस 0.2 के बीच लाई करेगा। यानी अगर हमें जी का वैल्यू लिखना है तो हम जी का वैल्यू ऐसे लिखेंगे, जी इज इक्वल टू 9.7 प्लस माइनस 0.2, ये बोल रहे थे। आई बात समझ में? हल्का हल्का था, दिक्कत दे रहा होगा सर? तो जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो हम लोग शुरू से पहले सब कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो हम दिखाएंगे क्वेश्चन, वो सब कुछ मिलेगा, घबराने का सकता नहीं, हम सिखा देंगे, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहली बार सीख रहे ना अभी हम लोग, इसीलिए एक बार उनको सिखाने दीजिए ना, उसके बाद सब आराम से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सर। ओके चलिए, देखिए अब आगे हम बात कर रहे हैं। देखो ये हो गया, ये हम मिटा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलिए बोलिए, अंकुश बोलना चाह रहा है कुछ, अंकुश बोलो, मैसेज कर दो अंकुश, अंकुश मैसेज, अंकुश मैसेज करो, तुमको अलाउ है, अलाउ है, अलाउ है, डांटते हैं नहीं, मैसेज करो। राहुल गणेश ने मैसेज किया है, एक बार देख लेते हैं आप लोगों का मैसेज। कांट कनेक्ट टू आवर सर्विस, कांट कनेक्ट टू आवर सर्विस, क्या क्या कर रहे, इस पे भी मैसेज किए हो क्या? इस देखो कुछ प्रॉब्लम, दोनों वाले सेल पे मैसेज मत कर देना, हम दोनों पे देख रहे हैं लेकिन दोनों पे मत करा। आपको पता है आपको दो नंबर दिखता है, कॉल जब भी करना है आप मेरे 90313 पे कीजिएगा, यानी कि और मतलब कंफ्यूज क्या करे आपको, समझ जिसमें जो करना है करना। देखिए व्हाट्सएप हमारे साथ 720 पे, खुशी ने कहा भैया अगर दो लोग को सेम वैल्यू आया तो दो बार ऐड करेंगे उनका। हाँ बिल्कुल, जितने लोग है खुशी सेम वैल्यू भी आ रहा है तो भी बार बार ऐड करेंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो गया जी, यूनिट एंड डायमेंशन पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से उसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी है, एरर भी है, पैरेलेक्स मेथड भी है, उस हिसाब से चैप्टर चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर यूनिट एंड डायमेंशन को अलग से बांटोगे तो उस हिसाब से यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हुआ, ठीक है, उस हिसाब से। अब अगले मीटिंग को जुड़िए, इस मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है, इस मीटिंग को एंड करते हैं, अगले में हम बाकी बात करते हैं, अगले में आइए। कई लोग का नेटवर्क छूट छूट जा रहा है, रिकॉर्ड अपलोड कर देंगे, लेकिन आज बात ज्यादा हो गया रिकॉर्डिंग में, चलो अपलोड करेंगे।